गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका 9.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है इफ 210 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, हाउ मेनी डेज विल 280 मैन टेक टू डू इट। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 210 लोग मिलके एक किसी काम को 44 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 200 अगर हम 280 लोगों को एम्प्लॉय कर दें काम करने के लिए, तो वही काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, मैं वन ऑफ द मेथड आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, फर्स्ट में आप देखेंगे कि 210 लोग मिलकर, नंबर ऑफ मैन कितने थे, 210, कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 44 डेज में। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 280 मैन मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, लेट इट बी एक्स। तो आप इससे पहले एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे जो कि यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं लिख दे रहा हूँ इसको, फर्स्ट आपको इसके पहले लिखना था लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन बनेगा। प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ठीक है, ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, देखिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से, आपका 210 इंटू 210 इंटू 44 करेंगे आप। ठीक है, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 280 इंटू एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 210, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 44 अपॉन 280। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 से 11 टाइम्स, 4 से 4 7 टाइम्स 28 एंड 0। ठीक है, 7 से 70 से 7 3 टाइम्स 21 एंड ये हो जाएगा फाइनली आपका x will be equal to 33। ये क्या है बच्चों, 33 डेज है। ठीक है, डी ए वाई एस डेज। ठीक है, ये 33 डेज है आपके। ओके, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए हॉस्टल ऑफ 100 बॉयज द प्रोविजन इज फॉर 40 डेज। ठीक है, इफ 60 मोर बॉयज ज्वाइन द स्कूल, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन्स लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके एक हॉस्टल है स्कूल का, ठीक है, जिसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बॉयज हैं जिनको प्रोविजन दिया गया है 40 डेज का, अगर 60 मोर बॉयज को ऐड करते हैं हॉस्टल में, तो आपका प्रोविजन कितना लास्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से नंबर ऑफ मैन की जगह पर नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज फर्स्ट में कितने थे, 100 बॉयज थे, कितने दिन में उनको, कितने दिन का प्रोविजन मिला, 40 डेज का। ठीक है, तो आपका बोला 60 मोर बॉयज टू बी एडेड, मीन्स 100 प्लस 60 160 बॉयज हो जाएंगे और कितने प्रोविजन मिलेंगे, एक्स। ठीक है, अब हम फिर यहाँ इन्वर्स वेरिएशन का यूज करेंगे, इससे हमको क्या मिलेगा, एक्स क्या लिखेंगे, लेट द न्यू प्रोविजन बी एक्स। ठीक है, अभी हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 160। इट इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन, ठीक है, 160, 4 से 1 टाइम एंड 4 से हाउ मेनी टाइम्स, 40 से, ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, देन 4 से ये हो जाएगा 25 टाइम्स। इट इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी इक्वल टू 25 डेज। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 360 मैन हु कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 11 मंथ। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 360 लोगों को लगाया, ठीक है, किसी काम पे, और वो 11 महीने में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन 9 मंथ्स। क्वेश्चन ये कहता है कितने और लोगों को आप लगाएंगे ताकि यही काम जो 11 महीने में कंप्लीट होना था, ये 9 महीने में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ मैन, कितने मैन लगाया उसने स्टार्टिंग में, 360 मैन लगाया, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, 11 मंथ्स में कंप्लीट हुआ। फिर दूसरी बार क्या है, कुछ पूछा है कि हाउ मेनी मोर मैन, ठीक है, मोर मैन की बात की है। तो यहाँ जो आप एक्स लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैन आएगा सेकेंड केस में। ठीक है, उससे जो आएगा वैल्यू, उससे 360 को माइनस करेंगे तब आपको मोर मैन की मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। ठीक है, लेट एक्स बी द टोटल, टोटल मीन्स ये प्लस ये आ जाएगा, टोटल
नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 9 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्वर्स वेरिएशन पे हम चलेंगे, तो इन्वर्स वेरिएशन में हमको क्या मिलेगा, 360 इंटू 11 विल बी इक्वल टू x इंटू 9, इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 360 इंटू 11 बाई 9, 9 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 36। ठीक है, फाइनली आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप मिलेगा 440। ठीक है, 440 क्या हो जाएगा, ये मैन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये टोटल नंबर ऑफ मैन है इंक्लूडिंग दिस, तो आपको मोर मैन नंबर ऑफ मोर, देयरफॉर नंबर ऑफ मोर मैन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 440 माइनस 360 इज इक्वल टू 80 मैन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स 20 मिनट। ठीक है, एक बस आपकी क्या करती है 4 आवर 20 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, उसकी स्पीड उस समय क्या रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है हमें नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये कहता है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर पे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, सेम डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में दो केसेस बन रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में केस फर्स्ट में ये हमारे पास क्या क्या गिवन है, केस फर्स्ट में हमारे पास टोटल टाइम दिया है डिस्टेंस को कवर करने का, जो कि 4 आवर 20 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम 20 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर लेंगे, तो 4 आवर प्लस 20 मिनट्स मीन्स 20/60 ये आवर हो जाए, क्यों, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर ये हो जाएगा 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20/60 आवर। ठीक है, तो 20 1 टाइम एंड 20 3 टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आवर प्लस 1/3 आवर। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 1, ठीक है, आवर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13/3 आवर। ठीक है, इतना टाइम लगता है आपको वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। स्पीड कितनी दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, ये मुझे क्यों करना पड़ा, आवर में लाना पड़ा 4 आवर 20 मिनट्स को, इसलिए लाना पड़ा क्योंकि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्यों, क्योंकि सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसी वजह से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड कितनी रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 13/3 आवर। अब ध्यान दीजिएगा, पर आवर मीन्स ये नीचे जा रहा है, मीन्स आवर आवर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 3 1 टाइम 3 एंड 3 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम 6 एंड 0, तो ये हो जाएगा 13 2 26। ठीक है, 260 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको केस टू में क्या पूछा गया है, केस टू में पूछा गया है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, केस टू में पूछा गया कि आपको हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मीन्स 260 किलोमीटर की ही बात हो रही है कि 40 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, केस टू में आपके पास डिस्टेंस क्या रहा, डिस्टेंस 260 किलोमीटर ही रहा। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीड क्या रही, स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर रही। ठीक है, टाइम टेकन पूछा है, टाइम टेकन ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए टाइम टेकन, फिर वही फॉर्मूला है, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो सो टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम टेकन हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, 260 किलोमीटर कवर करनी है, स्पीड कितनी है कार की, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या लिख सकते हैं हम, 260 ठीक है किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/40। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, आवर अपॉन किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
ओके रिवर्स हो जाएगा। अब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0 से 0 कैंसिल एंड 4, ठीक है, ये 4 से 10 टाइम, ओके ये 4 से देखिए 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम्स 24, 25 26 में 65 एंड फर्दर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.5 क्या आ जाएगा, आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आवर, 6.5 किलोमीटर आवर का मतलब क्या होता है, 6 आवर, ठीक है 30 मिनट्स, ठीक है ये आपका टाइम टेकन होगा जब हमारी कार चलेगी 40 किलोमीटर पर आवर पे सेम डिस्टेंस 260 को कवर करने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।